गाइस आज आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार माइक्रोफोन जो कि आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने लाइव सेटअप में कर सकते हैं, आप अपने रनिंग डीजे सेटअप में कर सकते हैं, अपने फ्लोर डीजे में कर सकते हैं, आप करोके के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे से छोटे एम्पलीफायर में और बड़े से बड़े मिक्सर में भी इनका आप यूज कर सकते हैं। हर जगह माइक्रोफोन आसानी से लग जाएगा और सबसे अच्छी बात, एक रिसीवर के साथ ये दो माइक्रोफोन अटैच होते हैं जिससे मेल फीमेल सिंगर जो है वो साथ में गा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और इसका लुक जो है बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए माइक्रोफोन में हम डिटेल से जानते हैं क्या क्या इसके साथ मिलने वाला है और कितना अच्छा होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए। तो यहाँ पर दूरी जो है लगभग 50 मीटर की है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस गेट के पास और उधर आप देख सकते हैं लगभग 50 मीटर दूरी पर हमारा जो है रिसीवर लगा हुआ है। यहाँ पर हम माइक्रोफोन को ऑन करते हैं। हेलो हेलो चेक। तो गाइस आज आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार वायरलेस माइक्रोफोन जो कि बहुत ही बेहतर होने वाला है, जिसकी टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग देखने के बाद आप खुद ही बोलोगे कि हाँ ये माइक्रोफोन बहुत अच्छा है। इस माइक्रोफोन की खासियत ये है कि आप इसको जो है इजी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कुछ फालतू की वायरिंग वगैरह नहीं करना है, आपको रिसीवर को सीधा मिक्सर या एम्पलीफायर में लगा देना है और माइक्रोफोन को ऑन करना है, आपका माइक जो है काम करना शुरू कर देगा। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी खास बात है वो होती है कि इस माइक्रोफोन का UHF होना, यानी UHF फ्रिक्वेंसी पर ये काम करते हैं। आपको मैंने हर एक वीडियो में यही समझाने की कोशिश किया है कि जब भी आप वायरलेस माइक्रोफोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको दो टाइप के माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, एक वो होते हैं जो VHF पर काम करते हैं और दूसरे होते हैं जो UHF पर काम करते हैं। VHF वाले क्या होते हैं, उनमें वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है और जो हमारे UHF होते हैं वो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाले माइक्रोफोन होते हैं उनमें क्लियर वॉइस जाती है और आवाज़ की जो है रुकावट नहीं होती है। आपने माइक्रोफोन चलाते वक्त ध्यान दिया होगा कि कोई माइक्रोफोन जब हम यूज करते हैं तो बीच बीच आवाज़ कटने लगता है, तो जो UHF फ्रिक्वेंसी वाले माइक्रोफोन होते हैं वो जो है कभी आवाज़ को नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर जो है हम वही माइक्रोफोन लेके आए हैं जो कि UHF फ्रिक्वेंसी में काम करता है और बहुत ही क्लियर वॉइस देगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑडियो एरे के AMW12 की। तो ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी के माइक्रोफोन है, जहाँ पर इसकी आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और आपको इसकी वॉइस की टेस्टिंग दिखाएंगे, प्लस साथ में ये भी यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे कि कितनी दूर तक अपना जो है कंटिन्यू चलता है और कितनी दूर से अपनी आवाज़ को कट करने लगता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे और आपको प्राइस के बारे में बताएंगे। अगर आप इस माइक्रोफोन को खरीदना चाहते हैं तो आपको कैसे खरीदना है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पवन अरुद्रा और आपका स्वागत है आल डीजे सपोर्ट। अपने माइक्रोफोन का जो बॉक्स है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिस पर आपको ऊपर दो माइक्रोफोन का PNG और एक अपना जो है रिसीवर का PNG देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर आपको इसके मॉडल नंबर के नीचे आपको एक जरूरी वर्ड देखने को मिल रहा है जो कि आपको जानना चाहिए, इसी से आप इस माइक की अच्छाई या खराबी को पहचान पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑडियो एरे डुअल डायनामाइक और UHF हैंडहेल्ड वायरलेस माइक्रोफोन, यहाँ पर आपको जो UHF दिख रहा है बस यही चीज़ है जो इस माइक्रोफोन को बहुत अच्छा बना देता है। और इस साइड आप देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया ऊपर से ही। और इस साइड हम देखेंगे तो इसके कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि इस माइक्रोफोन को बेहतर बनाते हैं। और यहाँ पर आपको जो सबसे मेन चीज़ है जो कि मैं आपको भी टेस्ट भी करवाऊँगा, ये 60 मीटर का ऑपरेटिंग रेंज, यानी ये 60 मीटर तक बिना रुक के काम करेगा, किसी भी प्रकार की आवाज़ में कटौती नहीं करेगा। पीछे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, आप इसे रीड कर सकते हैं और इसके यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट अपना जो है जो कि कंपनी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स को हम ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है मैनुअल और ये इसका वारंटी कार्ड आपको देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। इसकी वारंटी को आप एक्टिवेट करा सकते हैं इनके QR कोड के थ्रू और अधिक जानकारी के लिए आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये माइक्रोफोन है, तो ये रहा हमारा माइक्रोफोन और एक हमारा ये माइक्रोफोन रहा, ये रहा इसका रिसीवर। रिसीवर आपको बिल्कुल इसका बेहतर दिखेगा और इसका जो एंटीना है वो फ्लेक्सिबल है, यानी आप अगर इसे किसी तरह से मोड़ते हैं तो ये टूटने वाला नहीं है और कुछ इस प्रकार से सामने से दिखता है इसका पावर
की और यहाँ पर RF सिग्नल, चार्जिंग, चार्जिंग पोर्ट, हर एक माइक को जो है कवर करने के लिए अपना जो है फोम यानी डस्ट कैप अपने माइक्रोफोन के लिए, इसका एंटी रोलिंग रिंग देखने को मिल रहा है जो कि दोनों माइक्रोफोन के लिए है, और यहाँ पर आपको जो है अपने रिसीवर को चार्ज करने के लिए एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। इस माइक्रोफोन का जो बनावट है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप इसे हर एक एंगल से देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर दिखने वाला है। और यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है वो इस माइक्रोफोन को और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है इसके लुक के लिए। इस डिस्प्ले में इस माइक्रोफोन की जितनी भी एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर दिखती है, बैटरी लेवल, इसका सिग्नल लेवल, फ्रिक्वेंसी और माइक का जो चैनल, ये सब कुछ यहाँ पर दिखता है। और जिसका ये पावर ऑन ऑफ की है ये एडवांस है, जो कि ऊपर नीचे नहीं खिसकाना होता, इसे एक मोबाइल फ़ोन के जो पावर की के जैसा आपको इसे प्रेस करना है, ये बंद होगा, इसे प्रेस करेंगे चालू होगा। साथ में आपको जो एंटी रोल रिंग देखने को मिलता है ये बहुत ही अच्छा है, माइक्रोफोन को ग्रिप करने में भी ये आसान बनाता है। और काफ़ी सिंगर्स की आदत होती है कि वो माइक्रोफोन को यहाँ से पकड़ के ऐसे अपना जो है गाते हैं, तो ऐसे में फीडबैक बहुत आता है यानी सीटी बहुत मारता है। तो जब आप इसको लगा देते हैं तो कोई भी आर्टिस्ट, सिंगर, कुछ भी हो, अपना जो है इसको यहाँ से ग्रिप करेगा तो आपके माइक्रोफोन में जो है फीडबैक बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। वैसे ये माइक्रोफोन खुद ही इतने अच्छे, इसमें जो है आपको ज़्यादा फीडबैक देखने को नहीं मिलेगा। और सामने इसका जो ये ग्रिल है ये भी आपको मेटल का बना हुआ मिलेगा, और इस ग्रिल के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरे में ये फोम लगा मिलेगा। ये फोम लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई आर्टिस्ट, सिंगर जो है कुछ भी गाता है तो यहाँ पर हमारे आवाज़ के साथ साथ कुछ हवा भी निकलती है, तो उस हवा को ये रिड्यूस कर देता है, ओरिजिनल अपनी जो है वॉइस है वो इसके अंदर जा पाती है, जो कि ये क्लियर वॉइस को देने में मदद करती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसके साथ में जो है आपको ये एक कवर मिलता है जो कि यहाँ पर हम लगा लेंगे तो और भी ज़्यादा आप इसे चलती हुई हवा में भी यूज करेंगे तो आपकी आवाज़ को ये क्लियर ही निकालेगा। वैसे सेम इसका जो दूसरा है सर, इसका जो ये हमारा बी था और ये ए है, सेम वही गुणवत्ता के साथ ये भी आता है, एकदम दोनों माइक्रोफोन सेम दिखेंगे और दोनों ही हमारे इस वाले रिसीवर से कंट्रोल होंगे। रिसीवर भी एकदम इजी यूज होते हैं, जहाँ पर भी आपको इसको लगाने का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आप अपने एम्पलीफायर या मिक्सर कहीं भी लगा देंगे और इजीली आपको ये ऑन कर देना है इस पी को दबा के। जो हमारा माइक भी था उस पर मैंने पहले से बैटरी डाल के रखा है आपको दिखाने के लिए, मैंने पहले इसमें डाल लिया था, और दूसरे वाले माइक्रोफोन में आपके सामने बैटरी को डाल के दिखाता हूँ इसमें बैटरी को लगाना भी कितना इजी है। वैसे ये बताना नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है तो वहाँ पर हम बता देते हैं, आपको जो है यहाँ माइक्रोफोन को ऐसे पकड़ना है और ऐसे करके घुमा देना है, इजीली ये पीछे से खुल जाएगा। तो ये देखिए आपका जो है माइक ए का यहाँ पर स्टिकर भी आपको देखने को मिल रहा है, तो बैटरी लगाना बिल्कुल इजी है। आपको अपनी बैटरी लेना है, ये कुछ 1.5 वोल्ट का आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको यही वैल्यू को बैटरी ले लेना है और इजीली आपको जो प्लस वाला पॉइंट है इसको आपको नीचे की तरफ रखना है और ऐसे लगा के यहाँ पर प्रेस कर देना है, तो बैटरी एक लग गई। और दूसरी बैटरी हमको ऐसे लेना है, इसका भी जो है प्लस वाला नीचे रखना है और इसकी तरफ सेट करके ऐसे ये हम लगा देंगे तो बैटरी ऐसे लग जाएगा। इसमें दो बैटरी आती है और फिर जो है अपना माइक्रोफोन का जो कैप है पीछे का वो भी ऐसे हम लगा देंगे। माइक्रोफोन में मैंने बैटरी को लगा लिया है और साथ ही आपको मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फीचर इसका और दिखाता हूँ जो कि इस माइक्रोफोन को और भी बेहतर बना देता है। सबसे पहले इसका मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 904 जो कि मेगाहर्ट्ज़ में आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दिख रही है। अब माइक्रोफोन का जो बैटरी वाला सेक्शन है उसको आपको खोलना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये हर एक माइक्रोफोन में आपको देखने को नहीं मिलती। हाई एंड लो का आप यहाँ पर एक स्विच देख रहे हैं, यानी ये कि छोटा सा की है, इसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बदलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर 904 है, इसे हम प्रेस करेंगे 905 हो गया, 906 हो गया, ऐसे करके ये 15 बार बदलेगी। अब बता दें कि इसका जो ज़रूरी काम क्या है, आप जो है अपने एक ही लाइव सेटअप में अगर आप ऐसे ही 15 माइक्रोफोन लगा देंगे तो 15 माइक्रोफोन आपके एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप हर एक माइक्रोफोन का जो है फ्रिक्वेंसी का जो है ये बैंड है उसको चेंज कर देंगे यही की को प्रेस करके जो यहाँ पर है, तो आप जो है 15 माइक्रोफोन यूज करेंगे, ये एक दूसरे की आवाज़ को कभी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं,
क्लियर सारे माइक्रोफोन बराबर काम करते रहेंगे। कंप्लीट दोनों माइक्रोफोन मेरे हाथ में है और हमने रिसीवर को लगा दिया है अपने करोके मशीन पर। तो यहाँ पर अपने घर में मैं आपको इसका वॉइस टेस्ट दिखाऊंगा कि इसका वॉइस कितना क्लियर आता है, और उसके बाद जो है मैं आपको लेके चलूंगा एक बड़े सेटअप पर जहाँ पर मैं इसकी रेंज को आपको टेस्ट कराने वाला हूँ। फिलहाल मैंने रिसीवर को वहाँ पर ऑन करके लगा दिया है और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ से माइक्रोफोन को सिर्फ ऑन बस कर दूंगा और वहाँ पर ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपने माइक्रोफोन को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए माइक्रोफोन के हम पावर को ऑन करते हैं। पावर को ऑन करना है बिल्कुल भी ईजी है इसके, बस इस वाली पावर की को थोड़ी देर दबा के रखना है 3 सेकंड के आसपास और ये ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस पर मैं आपको कुछ बोल के दिखाता हूँ इसकी वॉइस टेस्टिंग के लिए कि इसकी आवाज़ में कितनी क्लियरिटी है। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है माइक्रोफोन से मैं काफ़ी दूर से बोल रहा हूँ, फिर भी नज़दीक नहीं लाना पड़ता, फिर भी हमारी आवाज़ को ये क्लियर रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर देखिए, हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, तो बहुत ही अच्छी इसकी आवाज़ की पकड़ है और वॉइस क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी है। इसको मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, शायद वीडियो में आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप इसे सामने से टेस्ट करेंगे तो इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो इसको ऑफ करते हैं। अब इसके जो दूसरा वाला बी माइक्रोफोन है इसको हम टेस्ट करते हैं, इसका भी पावर को ऑन करते हैं। पावर ऑन हो गया, इस पर भी आप कुछ बोल के दिखाते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक। आप कैसे भी घूम घूम के कहीं से भी बोले इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं कटती है। ये UHF माइक्रोफोन है भाई, आप इनको कहीं से भी यूज करेंगे, जो इनकी रेंज है जैसे कि कंपनी बोलती है 60 मीटर की रेंज में आप जहां से भी इसे टेस्ट करेंगे ये आवाज़ को नहीं काटेंगे। तो चलिए यहां पर मैंने इसकी वॉइस टेस्टिंग दिखाई आपको अपने घर में, अब एक बड़े से लाइव सेटअप में चलते हैं ओपन में और वहाँ पर इसकी हम रेंज को टेस्ट करते हैं कि ये इसका जो वर्किंग रेंज है ये कितनी दूर तक काम करता है। तो गाइस अपने इस माइक्रोफोन जो कि हमारे ऑडियो एरे का AMW 12 है, इसकी हम जो रेंज टेस्ट करेंगे वो भी ओपन में टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे ग्राउंड अच्छी मिल गई थी ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ, तो इसी ओपन ग्राउंड में इसे टेस्ट करूँगा, इसका वॉइस कैसा आता है और इसकी रेंज कैसी है सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए मैं धीरे से आगे अपने ग्राउंड के अंदर जाता हूँ, धीरे धीरे रिसीवर से और ट्रांसमीटर की दूरी जो है बढ़ेगी। यहाँ पर मैं अपने मेन स्टेज के बीच में आ गया हूँ जहाँ पर परफॉर्म हो रहा था, सारा प्रोग्राम हो रहा था। अब मैं यहाँ पर स्टेज के बीच में माइक्रोफोन को ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर इसकी क्वालिटी कैसी आती है। अब मिक्सर का जो गेन वगैरह है वो एकदम से जीरो है, सब कुछ एकदम जीरो है और बेस हमने थोड़ा दिया है और अपनी ट्रिबल भी कम किया है ताकि इसको हम मोनो में एकदम टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर माइक्रोफोन को मैं ऑन करता हूँ। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। तो हमारा जो है माइक्रोफोन था ये ए था और हमारा ये दूसरा बी है, इसको भी यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। ये दूरी यहाँ पर लगभग 10 मीटर के आसपास थी और हम दूरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको भी खींच के लाते हैं लगभग हम 50 मीटर पर और फिर वहाँ से देखते हैं कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है। तो यहाँ पर दूरी जो है लगभग 50 मीटर की है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस गेट के पास और उधर आप देख सकते हैं लगभग 50 मीटर दूरी पर हमारा जो है रिसीवर लगा हुआ है। यहाँ पर हम माइक्रोफोन को ऑन करते हैं। हेलो 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 चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ जो है पूरा क्लियर आ रहा है बिना किसी रुकावट के और बहुत ही अच्छा समय पर वहाँ पर सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर रहा है। और अभी आगे आपको दिखाते हैं कि 100 मीटर की दूरी पर ये कैसे काम करेगा, वो भी मैं गेट से बाहर जाता हूँ। यहाँ पर कॉलेज का परिसर था तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे हैं और आप इसको इग्नोर करिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जो है गेट के बाहर एंट्री कर ली है और सामने कंक्रीट का दीवार भी है, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर बाउंड्री के बाहर है और माइक्रोफोन जो है हम बाहर ले आए हैं और दूरी लगभग 100 मीटर के आसपास है और मैं यहाँ से बोलना शुरू करूँगा। देखिए कितना दूर लगा हुआ है, यहाँ से माइक्रोफोन को मैंने ऑन किया और यहाँ से मैं बोलूँगा हेलो 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 चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। हालाँकि स्पीकर के आउटपुट की आवाज़ यहाँ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको उसका जो है आवाज़ भी सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ से मैं जो भी बोल रहा हूँ वो क्लियरली वहाँ तक पहुँच रहा है रिसीवर तक और अपने स्पीकर से आउटपुट हो रहा है। हेलो हेलो चेक, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ये जो मैं आपको यहाँ भटक भटक के इधर उधर आपको टेस्टिंग दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए कि वास्तव में ये काम करते हैं या नहीं, बिना टेस्टिंग के हम ऐसा प्रूव करना कि ये माइक्रोफोन बहुत अच्छे हैं
नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी रेंज को टेस्ट करते हैं, तब तो 100% ये माइक्रोफोन सही है। गाइस, मैंने अभी आपको इन माइक्रोफोन को अनबॉक्स करके दिखाया, इनकी आपको मैंने वॉइस टेस्टिंग दिखाई कि इनकी आवाज़ कितनी क्लियर आती है, और एक लाइव साउंड में जाके मैंने आपको इनका वर्किंग रेंज भी टेस्ट करवाया कि ये बिना रुके बिना आवाज़ को काटे कितनी दूर तक सही से काम करते हैं। हर जगह ये माइक्रोफोन बिल्कुल ही खरा उतर रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो इतना अच्छा माइक्रोफोन है तो हम सभी के मन में आता है कि भाई इस माइक्रोफोन को लिया जाए। अगर आप इस माइक्रोफोन को लेना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इन माइक्रोफोन को मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर आपको इनका जो है Amazon और Flipkart का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इजीली इन्हें खरीद सकते हैं। और बात करते हैं इनके प्राइस की, तो इस समय ये माइक्रोफोन ऑफर में चल रहे हैं। आप जो है आसानी से इन दोनों सेटअप को, यानी दो माइक्रोफोन और रिसीवर का पूरा बॉक्स जो है, ओनली 4,999 में खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इन माइक्रोफोन को इजीली खरीद सकते हैं इसी वक्त, और एक बेहतरीन ऑफर का लाभ ले सकते हैं। नहीं तो आप जो है डायरेक्टली Amazon और Flipkart में भी जा सकते हैं, और आपको Amazon या Flipkart में कहीं भी आपको इसके सर्च बॉक्स में टाइप करना है ऑडियो अरे AMW12, आपको ये माइक्रोफोन वहां पर आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही टेक्निकल जानकारी यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।